जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। क्या आप लोग को पता है तुलसीदास जी को हनुमान जी और राम जी के दर्शन कैसे हुए थे? अगर नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो आप पूरा देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुलसी का मन राम में इतना रम गया था कि वे अपना सारा दुख दर्द भूल चुके थे। अब उन्हें पत्नी द्वारा किए गए अपमान के प्रति भी कोई शिकायत नहीं थी। उनका कहना था कि उसी ने तो उन्हें भोगों के गर्त से निकालकर भागने की प्रेरणा दी थी, जिन्होंने अपशकुन कहकर उन्हें दुत्कारा या फिर रोटी का टुकड़ा देने की जगह उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। अब वही उन्हें अपने परम प्रिय लगते थे। यदि ऐसा ना होता तो वे भी दूसरों की तरह अपनों से प्रेम पाने के लिए भटकते रहते हैं ना। कितने आश्चर्य की बात है कि ये सभी कंगाल एक दूसरे को अमीर बनाने का सपना दिखा रहे हैं और दूसरे भी आंखें मूंदे ख्याली पुलाव बनाते हुए नहीं थकते। मजे की बात तो यह है कि दोनों एक दूसरे की वास्तविकता को जानते हैं, फिर भी ऐसा नाटक किए जा रहे हैं जिससे कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। तुलसी के मन में अब दिन रात एक ही इच्छा क्रोध थी कि जिन श्री राम के बारे में इतना पढ़ा सुना, जिनका प्रभाव अपने जीवन में साक्षात देखा, उनके दर्शन हों। लेकिन कैसे? कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था कि एक दिन एक विलक्षण घटना घटी। इस समय वे काशी स्थित असी घाट पर रहते थे। सोच के बाद जैसे ही उन्होंने बचे हुए पानी को बबूल के पेड़ की जड़ में डाला, वैसे ही किसी की आवाज़ आई। आप कई दिनों से मुझे जल देकर तृप्त कर रहे हैं, मैं आप पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो भी चाहिए। तुलसी ने आसपास घूमकर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। भ्रम ना हो ऐसा सोचकर जब तुलसी चलने लगे तो फिर किसी ने रोका, मांगो मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मुझे तुमने सोच से बचे जल से तृप्त किया है। तुलसी रुक गए। वे बोले, आप कौन हैं मैं नहीं जानता और ना ही मैंने किसी कामना से आपको कुछ दिया है। यह सब आकस्मिक हुआ है, इसलिए जो मैंने किया नहीं उसका फल मैं कैसे ले सकता हूँ, यह तो धर्म विरुद्ध है। फिर आप मेरे सामने भी तो नहीं आ रहे हैं, मांगा तो उससे जाता है जो सामने आकर कुछ देना चाहे। धर्म सम्मत तर्क देकर आपने मुझे विवश कर दिया है कि मैं आपको खाली हाथ ना जाने दूँ, ऐसा करके मैं आप पर उपकार नहीं करूँगा। संभव है इससे प्रेत योनि में मिलने वाले कष्टों में कुछ कमी आ जाए। साधु पुरुषों का संग सदैव चंदन की छाया की तरह दुख हरने वाला होता है। रही बात आपके सामने आने की, तो ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। राम नाम का सदैव स्मरण और ध्यान करने वाले भक्त के पास कोई पाप आत्मा आने का दुस्साहस नहीं कर सकता। फिर आप तो जानते ही हैं कि पाप आत्मा को धर धर भटकने वाली प्रेत योनि प्राप्त होती है। प्रेत के मर्यादित शब्दों को सुनकर तुलसी कुछ विचारने लगे, फिर बोले, यदि ऐसी बात है तो क्षमा कीजिएगा, आपकी इच्छा पूर्ण करने में मैं असमर्थ हूँ। मुझे श्री राम के दर्शन के अलावा और कोई भी कामना नहीं है। मैंने संसार के सभी भोगों को बहुत पास से देख लिया है, मैं उनकी असलियत जान चुका हूँ। वाक्य को पूरा करते करते तुलसी वहाँ से चल दिए। प्रेत ने रोका, रुकिए, मैं कोई कार्य यदि नहीं कर सकता तो उसे पूरा करने का उपाय तो बता ही सकता हूँ। प्रातः संकट मोचन मंदिर में जहाँ आप कथा करते हैं, वहाँ एक कोड़ी सर्वप्रथम श्रोता के रूप में आता है और सबसे बाद में जाता है। उसके शरीर से तेज दुर्गंध आती है, इसलिए वे श्रोताओं से दूर उस स्थान पर बैठता है जहाँ सब अपने जूते चप्पल उतारते हैं। बस आप उसे पकड़ लीजिए, वही आपको उपाय बताएगा कि कैसे आपकी कामना पूरी हो। अपने ईष्ट तक पहुँचने का वही एकमात्र और सुनिश्चित मार्ग है, आपकी मनोकामना पूरी हो। ये कहते हुए प्रेत ने चुप्पी साध ली। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें प्रेत योनि से मुक्त करने का प्रयास करूंगा। तुलसी ने प्रेत को विश्वास दिलाया और अपनी कुटिया की ओर चल दिए।
राम दर्शन की भावना में पूरी तरह भीगे तुलसी को रात्रि में नींद नहीं आई। सुबह सुबह अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होने के बाद तुलसी विश्वनाथ मंदिर के पास बने संकट मोचन मंदिर में पहुंच गए। अभी भगवान का श्रृंगार हो रहा था। श्रृंगार और आरती के बाद श्री राम कथा की तैयारी होने लगी। तुलसी बाहर खड़े होकर कुष्ठ रोगी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। वह आया और अपने निश्चित स्थान पर बैठ गया। तुलसी आचार्य पीठ पर जा विराजे। वे सोच रहे थे कि यदि वे बीच में ही उठकर चल दिए तो कथा के बीच में उठना मर्यादाहीनता है और इष्ट रूप कथा का अपमान भी। यह लोकाचार और धर्मशास्त्र दोनों के विपरीत आचरण है जो कभी भी सुखदायी और कल्याणकारी नहीं हो सकता। और फिर कथा के प्रवक्ता को तो आचार्य पीठ का मान सम्मान एवं गरिमा रखनी ही चाहिए। श्रोताओं और मंदिर के सेवक पुजारियों को लग रहा था कि तुलसी का मन कहीं उलझा हुआ है। उनके शब्दों भावों और मस्ती में बेचैनी साफ साफ झलक रही थी। किसी तरह से कथा का भोग पड़ा, आरती हुई, प्रसाद बांटा गया। सभी श्रोता अपनी अपनी राह पर चल पड़े। कोड़ी उठकर चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुलसी मंदिर के बाहर द्वार पर खड़े उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा समाप्त हुई। तुलसी कोड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। कोड़ी कभी अपनी गति तेज करता तो कभी बहुत धीमी। तुलसी भी थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नगर की सीमा समाप्त हुई। घने बाग बगीचे आ गए। कोड़ी ने एक पगडंडी का रास्ता पकड़ा। एकांत देखकर तुलसी ने अपनी गति बढ़ाई और कोड़ी का रास्ता रोककर उसके चरणों में लेट गए। कोड़ी बचकर निकलने लगा तो तुलसी ने उसके चरणों को पकड़ लिया। नहीं जाने दूंगा, आप बताएं कि आपका असली रूप क्या है, आप हैं कौन। कोड़ी ने बहुत कोशिश की कि वे अपना रूप स्वरूप तुलसी से छिपा ले। उसने तरह तरह के लोभ भी दिए लेकिन तुलसी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। संसार के विषय भोगों में उलझा भक्त भगवान से धन दौलत आदि मांगता है, उसे भगवान नहीं चाहिए। इस बात को जीवन में तुलसी ने भलीभांति जांच परख लिया था, इसलिए वे अपनी बात पर अड़े रहे। कोड़ी को हार कर आखिर स्वयं को अपने असली रूप में प्रकट करना पड़ा। अपने सामने खड़े रामदूत श्री हनुमान को देख कर तुलसी कुछ समय के लिए तो मानो अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उनकी आंखों से प्रेम अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। वे आंखें खोलना चाह रहे थे लेकिन रोकने पर भी ना रुकने वाले आंसुओं ने उन्हें आंखें मूंदे रहने पर विवश कर दिया था। उनके कानों ने मधुर ध्वनि सुनी, वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। वैसे तो श्री राम इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन साकार दर्शन करने के बाद ही सर्वव्यापक और सर्वरूप राम का अनुभव भक्तों को होता है। ऐसे शरणागत वत्सल श्री राम आने वाले पूर्ण पर्व रामनवमी को, जो भगवान का प्रकट दिवस है और इस दिन मंगलवार भी है, चित्रकूट स्थित रामघाट पर अनुसुईया द्वारा प्रकट की गई मंदाग्नि और पवन स्वानी गंगा के संगम पर स्नान करने पधारेंगे। उनके साथ लघु भ्राता श्री लक्ष्मण जी भी होंगे। देखने पर वे होंगे सामान्य राजपुरुषों की तरह, लेकिन उनके शुभ लक्षणों से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकेगा। वहाँ तुम अपने ईष्ट के दर्शन कर सकोगे। यदि तुम्हारी कोई अन्य कामना हो तो बताओ, मैं उसे भी पूरा किए देता हूँ। श्री हनुमान जी के इन वाक्यों को सुनकर, जिनमें राम दर्शन का निश्चय बड़ा आश्वासन था, तुलसी का मन विचारहीन और स्तब्ध हो गया। उन्होंने अपनी आँखों को बड़ी मुश्किल से खोला, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था, ना कोड़ी और ना राम भक्त हनुमान। तुलसी अपनी कुटिया पर पहुँचे, सामान उठाया और चित्रकूट की ओर चल पड़े। रामनवमी का पुण्य पर्व आया। पंडा बने तुलसी पूजन सामग्री लेकर चित्रकूट के रामघाट पर जा विराजे। जो आता उसे तिलक आदि करते, लेकिन आंखें तो किसी और को ढूंढ रही थी, इसलिए दक्षिणा के रूप में जो कोई भी कुछ उनके सामने रखता वे उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। एकाएक दो राजपुरुष आकर सामने खड़े हो गए। उनका रूप मोहित कर रहा था, लेकिन स्नान आदि के कारण तिलक धुल गया था, इसलिए तुलसी उन्हें पहचान ना सके। यही तो माया है, रूप पर टिकी आंखें स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाती। बाहरी चिन्ह अक्सर स्वरूप ज्ञान में बाधक होते हैं। उन्हें तिलक लगा देने के बाद भी जब तुलसी का भ्रम नहीं टूटा तो सुख बनकर पास के वृक्ष की डाल पर बैठे एक राम भक्त ने दूसरे राम भक्त को सावधान किया। हनुमान जी बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसी दास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसी चौंके, उन्होंने सामने खड़े राजपुरुषों के चरण पकड़ लिए। वे कोई अन्य नहीं, तुलसी के इष्ट श्री राम और लक्ष्मण थे। इष्ट के दर्शन और स्पर्श से तुलसी का जीवन कृतार्थ हो गया। तुलसी ने हनुमान को ऐसे ही सद्गुरु नहीं माना है, वही तो बल बुद्धि और विद्या प्रदान करने वाले कलयुग के साक्षात देवता हैं।
तुलसी ने जब अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की रचना की तो सर्वप्रथम उसका पत्र सुनाकर प्रेत को मुक्त किया। यह कृतज्ञता उसके प्रति थी जिसने उन्हें राम भक्त हनुमान से मिलने का मार्ग बताया और जिससे फिर श्री राम के दर्शन हुए। इसके बाद तो श्री राम संत तुलसी के अंग संग रहने लगे। प्रसंग आता है कि रामचरितमानस की रचना के बाद संस्कृत के कई विद्वानों ने अवधी भाषा में लिखे इस ग्रंथ पर आपत्ति प्रकट की तथा तुलसी एवं उनकी रचना को नष्ट करने के लिए दो व्यक्तियों को तुलसी की कुटिया पे भेजा। गहन अंधकार में जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धनुष बाण धारण किए हुए दो राजपुरुष उस स्थान की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ। वे और कोई नहीं अपने लघु भ्राता के साथ श्री राम थे। जिसके रक्षक स्वयं श्री राम लक्ष्मण हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। यह स्थान आज रामानुज कुट के नाम से राम भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। समय आने पर भगवान विश्वनाथ ने रामचरितमानस की श्रेष्ठ रचना के रूप में पुष्टि की थी। यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हनुमान जी भी भगवान शिव के अवतार हैं। धन्यवाद।